आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा वायुसेना का जगुआर, विमान से टकराया पक्षी, पायलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन, शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान के परिजनों से की मुलाकात। एनएचएम घोटाले में घिरी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, एमडी सुमित शर्मा को हटाया, 10 आईएएस अफसरों के तबादले। और भारत का मुकाबला आज वेस्टइंडीज से, टीम इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते में बाधा बन सकता है मौसम। जापान में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओसाका पहुंच गए। इस सम्मेलन के दौरान वह महत्वपूर्ण बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगे। ओसाका में 28-29 जून को हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी बार शिरकत करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं। वह वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर जोर देने के साथ ही भारत का नजरिया पेश करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। अगले 3 दिनों तक वैश्विक मंच पर भारत के नजरिए को रखने के लिए प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाओं का हिस्सा रहेंगे। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से दर्शन कर घर वापस लौट रहे 200 भारतीय श्रद्धालु खराब मौसम होने के कारण नेपाल के हुमला जिले में फंस गए हैं। श्रद्धालुओं ने निजी टूर ऑपरेटरों पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। हर वर्ष सैकड़ों भारतीय श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। श्रद्धालु नेपाल चीन सीमा से सटे हिल्सा शहर में फंसे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु तेलंगाना के हैं, जिनकी तादाद 40 है। श्रद्धालुओं का कहना है कि खराब मौसम के कारण हम वहां से निकल नहीं पा रहे, जबकि कैलाश मानसरोवर लौटते वक्त ही ट्रेवल एजेंसी ने उन्हें यहां छोड़ दिया। कैलाश मानसरोवर यात्री करीब 19,500 फुट की दुर्गम और बीहड़ इलाकों की चढ़ाई करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। अमित शाह शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान के श्रीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद अरशद खान के परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में घायल SHO अरशद खान का दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। 12 जून को अनंतनाग में आतंकी हमला किया गया था। हमले में अरशद खान घायल हो गए थे। पहले उन्हें श्रीनगर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर अरशद खान को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स लाया गया था, लेकिन इलाज से पहले ही उनकी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जगुआर गुरुवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा। उड़ान भरने के बाद विमान से एक पक्षी टकरा गया, जिससे विमान का एक इंजन फेल हो गया। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान में लगे हुए अतिरिक्त फ्यूल टैंक और ट्रेनिंग बम को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद विमान की अंबाला एयरफोर्स बेस पर सुरक्षित लैंडिंग हो गई। विमान से गिराए गए फ्यूल टैंक और ट्रेनिंग बम को बरामद कर लिया गया। प्रत्येक विमान में ईंधन भरने की एक निश्चित क्षमता होती है, उनकी इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए विमानों में बाहर से अतिरिक्त फ्यूल टैंक जोड़े जाते हैं। इससे विमान की उड़ान भरने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपात स्थिति में पायलट जब चाहे तब इस अतिरिक्त फ्यूल टैंक को विमान से अलग कर सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि देश से संबंधित सभी भुगतान के आंकड़े भारत में ही रखने होंगे और भुगतान की प्रक्रिया में विदेशों में सर्जित होने वाले भारतीयों के भुगतान से संबंधित डेटा को भी 24 घंटे के अंदर भारत लाना होगा। केंद्रीय बैंक ने भुगतान प्रणाली परिचालकों की तरफ से क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर बार बार उठने वाले सवालों के संदर्भ में तय स्पष्टीकरण में कहा है कि धन के भुगतान का पूरा आंकड़ा केवल भारत में रखा जाएगा। RBI ने भुगतान प्रणाली डेटा रखे जाने को लेकर अप्रैल 2018 में निर्देश जारी किया था। उसमें केंद्रीय बैंक ने सभी PSO को यह सुनिश्चित किया था कि 6 महीने के भीतर भुगतान प्रणाली से जुड़े सभी डेटा केवल भारत में स्थित प्रणालियों में ही रखे जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दलों की बैठक हुई, जिसमें पिछले सरकार की नाकामियों पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान विधायक दल की ओर से राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया गया। सर्वसम्मति से राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बने रहने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के बाद बताया गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था और विश्वास प्रकट करते हुए पार्टी ने आग्रह किया है
कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बने रहें एवं कांग्रेस को मजबूत करने के अपने संकल्प को और आगे बढ़ाएं। बैठक में भाजपा की तरफ से फैलाए जाने वाले असत्य और दुष्प्रचार का जोरदार तरीके से जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई। कांग्रेस सरकार के फैसले एवं गुड गवर्नेंस की दिशा में हो रहे तमाम कार्यों को जनता के बीच लेकर जाने का निर्णय हुआ। बैठक में 12 निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर 10 आईएएस अफसरों का तबादला आदेश जारी कर नई चर्चा छेड़ दी है। इनमें से 3 से 4 अफसरों से उनके विभाग के मंत्री नाराज चल रहे थे। 2 विभागों में भारी घोटाले सामने आने से सरकार की किरकिरी हो रही थी। नई ट्रांसफर लिस्ट में अपवन अरोड़ा को हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर बनाया गया है। सिद्धार्थ महाजन का ट्रांसफर चौंकाने वाला रहा। भवानी सिंह देथा को संभागीय आयुक्त उदयपुर से सचिव स्वायत्त शासन बनाया है। विकास सीताराम भाले को आयुक्त कृषि विभाग से संभागीय आयुक्त उदयपुर, मुग्धा सिन्हा को सचिव खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति से सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सिद्धार्थ महाजन को सचिव स्वायत्त शासन से सचिव खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति, ओम प्रकाश को पीडी राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना एवं प्रशासन कृषि विपणन बोर्ड से आयुक्त कृषि में लगाया गया है। एनएचएम घोटाले में घिरी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनएचएम घोटाला उजागर होने के बाद एनएचएम एमडी समीर शर्मा को पद से हटा दिया गया है। उन्हें आयुक्त श्रम व प्रबंध निदेशक राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम लगाया गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के अनुसार नई सरकार बनने के बाद से आज तक एनएचएम एमडी समीर शर्मा ने उनके पास अप्रूवल के लिए एक कागज नहीं भेजा। ऐसे में उन्हें पद से हटाया गया है। इसके अलावा घोटाले से जुड़े एचआर सेल के डीपीएम प्रवीण गुप्ता व सीओ लीगल सूर्य प्रताप सिंह राजावत को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के पद पर रहते हुए जांच प्रभावित हो रही थी। छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए नियमों को सरल बनाने के बाद अब सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाएगी। औद्योगिक इकाइयों से सीधा संवाद के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्र में अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों से सीधा संवाद करना शुरू किया गया है। इस कड़ी में उद्योग भवन में जेसीबीए, चंबल फर्टिलाइजर सुविधा, स्पिनर सहित आधा दर्जन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। राज्य सरकार प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके मद्देनजर जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाएगी। इस अवसर पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के नागेश शर्मा व अन्य अधिकारी तथा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 पूरी हो गई है और इस परीक्षा में प्रदेश के 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। इनमें से 307 अभ्यर्थी जो परीक्षा के 2 या 3 पेपरों में ही शामिल हुए और पूरी परीक्षा नहीं दी, अब ये सभी आरएएस बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के लिए कुल 22,999 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। ये वे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आरएएस प्री 2018 में सफलता प्राप्त की थी। 4,782 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा में एक भी पेपर नहीं दिया, जबकि 307 अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा में आंशिक रूप से ही उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में कुल 5,089 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। राजस्थान पुलिस ने हाईटेक कदम बढ़ाते हुए पुलिस कर्मियों को आईटी फ्रेंडली बनाने के तहत टैबलेट मोबाइल डेटा टर्मिनल दिए हैं। इसमें अनुसंधान अधिकारी के पास गवाहों के ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग की सुविधा रहेगी। साथ ही जांच प्रक्रिया के होने वाली गतिविधियों का सटीक स्थान भी चिन्हित हो सकेगा। अभी आईओ गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर अपने तरीके से बयान लिखते हैं, साथ ही घटनास्थल का मौका मुआयना कर नक्शा बनाते थे। इस प्रक्रिया में कई बार गलती हो जाती थी और आरोपी बच निकलता था। पुलिस पर कई बार परिवादी आरोप लगाते थे कि उन्होंने बयान कुछ और दिया है और दर्ज कुछ और होता था। डीजीपी कपिल गर्ग ने अशोकनगर थाना में कमिश्नरेट के 4 थानों श्यामनगर, वैशाली नगर, सांगानेर और विद्याधर नगर सहित ग्रामीण के जोबनेर थाना के अनुसंधान अधिकारियों को 50 टैबलेट दिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से हेल्थ सेंटर में मरीजों को दवाइयां मिलने में भी परेशानी आई और हॉस्टल की मेस में खाना बनाने से लेकर अन्य काम भी बाधित हुए। संविदा कर्मियों के मामले में कोई हल नहीं निकलने पर संविदा कर्मियों ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के नाम ज्ञापन दिया। संविदा कर्मियों की मुख्य मांग उनकी लिस्ट बनाकर सरकार को भेजने की है। इसके अलावा न्यूनतम सैलरी 18,000 करने और सेक्शन सालाना करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम मांगों को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने हमारी बात सरकार के सामने भी रखी है। जब तक मांगें पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे।
भारत वर्ल्ड कप 2019 के अपने छठे लीग मैच में सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी वेस्टइंडीज की खतरनाक टीम से आज भिड़ेगा। लीग राउंड अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में भारत एक और जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और वह बाकी मैचों में अन्य टीमों का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शुरुआत के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वेस्टइंडीज के बाद भारत मेजबान इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। इनमें से टीम इंडिया दो मैच जीत लेती है तो सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए फिलहाल 3 अंक चाहिए। इन्हें अर्जित करने के लिए फिलहाल उसके पास 4 मैच बचे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार। ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।